बिग बॉस ओटीटी से चर्चाओं में आए यूट्यूबर एल्विश यादव पहले तो बिग बॉस ओटीटी के विजेता के तौर पर लोगों की जुबान पर बने हुए थे। उसके बाद एल्विश के खिलाफ पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स के पदाधिकारियों ने सांपों की तस्करी करने का आरोप लगाते हुए नोएडा में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जाँच प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी भी कर रही। इसी जाँच के तहत ईडी ने 8 जुलाई को तलब किया था, लेकिन उस वक्त विदेश में होने के वजह से एल्विश ने मोहलत मांग ली, जिसके बाद 23 जुलाई अगली तारीख देते हुए उन्हें पेश होने को कहा गया था। इसी के चलते एल्विश यादव ईडी ऑफिस पहुंचे। तेजी में वहां से निकलते वक्त एल्विश मीडिया के सवालों पर कहते दिखे, मैं बाहर गया हुआ था, यूके में होने की वजह से पेश नहीं हो पाया था। ऐसे में ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए मोहलत मांगी थी, इस पर उन्हें 23 जुलाई तक का समय दिया गया था। एल्विश ने इस पर कहा, मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही, ईडी के अधिकारी जो भी सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। क्या कुछ कहा वो सुनिए। सर आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था, एक ही बार बताया ना, एक बार जो एलिगेशन है की तस्करी करते थे दूसरे कोर्ट में, मामला जी कोर्ट वाले बताए। अभी आपको क्या लगता है की क्या क्या चीजें अंदर आपको बुलाया गया है? मैं कैसे बताऊंगा, पहली बार आया हूँ, थोड़ा सा जगह दोगे तो मैं अंदर भी जाऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? उधर साइड रख चुका मैं बात, ठीक है, बाकी वो बताएंगे आपको पता लगे। एल्विश यादव ने ईडी की पूछताछ से निकलने के बाद मीडिया से बचते हुए दिखे, मीडिया के सवालों से भागते भागते बस इतना ही कहते दिखे एल्विश यादव। एल्विश यादव से लंबी पूछताछ की गई, ये पूछताछ लगभग 8 घंटे तक चली। 8 घंटों में एल्विश से कई सवालों पर पूछताछ हुई, जिसके बाद एल्विश अपने पिता के साथ वहां से निकले। एक बार फिर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही। पहले भी उन्हें पुलिस स्नेक वेनम केस में गिरफ्तार कर चुकी। अब इस मामले पर ईडी का क्या फैसला होगा आने वाले समय में पता चलेगा। इससे पहले ईडी ने एल्विश के करीबी मशहूर गायक राहुल यादव उर्फ फाजिल पुरिया समेत 3 लोगों से पूछताछ कर चुकी। यूपी तक के लिए लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।